वो चले गए कलकत्ता में और कलकत्ता से उन्होंने अपनी पढ़ाई और लॉ की डिग्री लेकर के तब बिहार में आए। उस समय ये समस्याएं थी, हम लोग भी पढ़ते थे तो 10 किलोमीटर से कम पर हाई स्कूल की संख्या है, प्रखंडों में पंचायत स्तरों पर विद्यालय का विस्तार हुआ। सुरेश तिवारी जैसे लोग जो शिक्षा पर सोचते रहते हैं दैनिक दिन रात, उन्होंने इसका विस्तार करने का काम किया। विद्यालय में सरकारी विद्यालय पढ़ाई पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपको संस्कार संस्कृति और शिक्षा का अच्छे पढ़ाई हुई है। आप त्रेता द्वापर में चले जाइए, विद्यालय नहीं थे वहां, गुरुकुल में पढ़ाई का था। राम जैसे लोग गुरुकुल में पढ़ाई किए। हमारे यहां संत और बड़े बड़े महात्मा जो हुए वो ऐसा भी उदाहरण है कि विद्यालय के ही उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। रामकृष्ण प्रभंज जैसे, विवेकानंद जैसे लोगों के गुरु थे, उनका आत्मज्ञान अपने पढ़ने के लिए नहीं गए थे। लेकिन यह मतलब नहीं है कि इसका मतलब कि शिक्षक संस्थान नहीं खुले, शिक्षक स्तर शिक्षक अच्छे नहीं हो, इसका आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से शिक्षक का आचरण होता है, जिस तरह से शिक्षक चरित्रवान होते हैं, विद्वान होते हैं।